आजाद भारत का भविष्य के भविष्य के लिए रवाना हो जाएंगे और आज यहाँ पे एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हम सब लोग करने जा रहे हैं। आप सब लोग इस क्रांति का हिस्सा है और मुझे बार बार याद आता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस समय आम आदमी पार्टी की महारैली चल रही है। महारैली इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसको महारैली का नाम दिया है। अब से पहले किसी रैली को महारैली नहीं कहा गया था, ये इसलिए नाम दिया गया कि 1 लाख लोग जुटाने का लक्ष्य है। तो कार्यकर्ता और नेता जो हैं अभी यहाँ पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पहुँच ही रहे हैं और जब पहुँच रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का अभी भाषण नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल नहीं आए हैं, अभी शुरुआत ही इस प्रोग्राम की जब हो रही है, तो ये बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि कोई भी पार्टी अगर जनता तक अपनी बात पहुँचाना चाहती है तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है मीडिया, जिससे वो बड़े लेवल पर अपनी बात पहुंचाना चाहती है, लेकिन जो सबसे अहम होता है वो होता है उसका कार्यकर्ता। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जो टॉप लीडरशिप की बात है जो वो कह रहे हैं किस तरह से जमीनी स्तर पर ले जा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम मोहन सिंह है, मैं बुराड़ी विधानसभा से आया हूँ। ठीक है, थोड़ा ये बताइए कि किस तरह से आप जनता के साथ क्या संवाद कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उनको इन दिनों? देखिए, जनता के साथ ये संवाद कर रहे हैं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो वो लगातार विकास करते जा रही है, परंतु जैसे आपको भी पता है कि हम पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें दिल्ली सरकार को अफसरशाही पे कंट्रोल करने का वो दिया था। क्या आपने कभी सुना होगा कि अगर एक राज्य के अंदर एक जब सत्ताधारी सरकार के अंदर कोई अफसरशाही काम करने को तैयार नहीं होगी तो फिर काम कैसे होंगे? और विकास जो है, जहाँ पे भी विकास हो रहा है हर अफसरशाही के थ्रू रोका जा रहा है। जो LG है यहाँ के, वो LG की तरह नहीं, एक तानाशाह की तरह दिल्ली पे राज करना चाह रहे हैं। वो हर काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की फाइल हो या वो दिल्ली सरकार की जो DTC से रिलेटेड फाइल हो, हर फाइल को दबा के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? दीपक। दीपक, आप कहाँ से आए हैं? बुराड़ी विधानसभा। अच्छा, बुराड़ी वाली ही पूरी टीम है। जी हाँ। ठीक है, तो यार लोग ये नहीं पूछ रहे भाई केंद्र सरकार ने जो किया है वो तो उसका अधिकार है, भाई सरकार जो है वो अध्यादेश ला सकती है, तो इसमें गलत क्या है? लोग ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे। सर, गलत ये है कि हमने वोट दे के केजरीवाल जी को यहाँ पे सरकार बनाई है। हाँ। और इस चीज़ को बिल्कुल ही मारा जा रहा है सेंटर के थ्रू कि केजरीवाल जी को कोई भी अधिकार नहीं दिए जा रहे कि वो हमारे जितने भी काम है वो खुल के कर सके। हाँ। जितने भी काम चालू हुए हैं वो सारे रोक दिए गए हैं LG के थ्रू। हाँ। तो इसीलिए ये रैली लगाई गई है कि जो 8 साल से केस चल रहा था अधिकारों के लिए। हाँ। वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमें दे दिए हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने नया एक्ट 1 ला के वो अधिकार छीन लिए हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लग गए हैं तो इस देश में, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है देश का? आपका क्या नाम भाई साहब? सर, मेरा नाम गोपाल है। आप भी बुराड़ी से हैं? बुराड़ी से सर। ठीक है, इससे पहले भी तो जब अध्यादेश आए तब केंद्र सरकार जो है संसद में अध्यादेश लेके आई और सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है या जो उसकी बात है वो पलट दी। तो अब ये लोगों को आप कैसे समझा रहे हैं कि अब जो हुआ है वो असंवैधानिक है, कैसे समझा रहे हैं? बिल्कुल सर, देखिए इससे पहले केशवानंद भारती वाला जो मामला था उसमें भी तो वाकई में ये तो काफी जानते हैं केशवानंद भारती, 1973 का मामला है। जी बिल्कुल सर। उसमें क्या, केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सरकारों को भी बोला था कि अगर जो मूल ढांचे पे आप संशोधन करते हैं तो वो संविधान से छेड़छाड़ होगी। तो सरकार को और जनता को इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि तानाशाही के थ्रू अध्यादेश लाकर आप दिल्ली के अधिकारियों को छीन नहीं सकते, दिल्ली की जनता के अधिकारियों को छीन नहीं सकते। ठीक है, आपका क्या नाम हो जी? आमोद प्रसाद। आप भी बुराड़ी से? जी जी बिल्कुल, बुराड़ी से आया हूँ। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे पब्लिक कुछ पूछ रही है आपसे या आप भी पब्लिक को बता रहे हैं? सब ये मोदी जी की ये तो तानाशाही वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि चुनी ही सरकार को 9 साल से काम करने नहीं दे रही ये सरकार। केंद्र सरकार को ये अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 जजों की जो जज थे उनका जजमेंट है, उसको उसके बाद भी अध्यादेश लाकर हमारा जो LG का शासन यहाँ चलवाना चाहते हैं ये चलने नहीं दिया जाएगा। तो एक बात जो है जो इन्होंने कही केशवानंद भारती और उसकी बात इन्होंने कही, एक बात जो ये है वो ये है कि अगर केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि वो अध्यादेश ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट सकती है, केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि अगर उसके पास बहुमत है तो वो संविधान में संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना में बदलाव नहीं कर सकती है। तो ये एक सवाल इस पूरे मामले में ये है कि क्या ये जो बदलाव हो रहा है ये संविधान की मूल भावना है
या नहीं। और मेरे ख्याल से यही एक बड़ा सवाल तब होगा जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, दिल्ली सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। संभव है जब कोर्ट खुले, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो, तब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार भी इस अध्यादेश के खिलाफ पहुंच जाए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गई है, अध्यादेश को भी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने चैलेंज नहीं किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।